आज जिस शख्सियत की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो भूमिकाओं से परे है, इसलिए मैं भी कोई भूमिका नहीं बांधूंगा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके सीजन में हम दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। और इस एपिसोड में दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के बारे में। ये 1977 की बात है, जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर अपने दफ्तर में बैठे थे, अधमुदी आंखों के साथ सुन रहे थे। उनके बगल में वरिष्ठ समाजवादी नेता मधुलिमये थे और सामने एक 25 साल की लड़की जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जानी मानी डिबेटर थी, सुषमा शर्मा। लेकिन अब वो स्टूडेंट नहीं थी, एक्टिविस्ट थी, वकील थी, विधायक थी और मंत्री भी, हरियाणा की चौधरी देवीलाल की सरकार में। और सहपाठी रहे स्वराज कौशल के साथ विवाह के बाद नाम भी बदल गया था उनका। वैसे उनकी शादी से 17 दिन पहले देश भी बदल गया था इमरजेंसी के चलते। सुषमा के पति स्वराज जेपी और जॉर्ज के करीबी थे। इस नवयुगल वकील ने बड़ौदा डायनामाइट का केस भी लड़ा। इंदिरा की चेतना लौटी तो चुनाव हुए, जेपी के कहने पर जॉर्ज का पर्चा भरने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली से रवाना हुई उनकी पत्नी लैला कबीर और उनके साथ थी वकील सुषमा स्वराज। केंद्र में मुरारजी भाई की सरकार आई, फिर कांग्रेस शासित राज्यों की विधानसभाएं भंग हुई। अब तक 14 फरवरी 1952 को जन्मी सुषमा 25 बरस की हो चुकी थी, यानी विधायिका का चुनाव लड़ने के योग्य। उन्हें अंबाला कैंट से जनता पार्टी का टिकट मिला, वो जीती। और फिर चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो फिर बवाल शुरू हुआ। कैसे? जनता पार्टी बनने के पहले कई धड़े थे, उन्होंने बाकी बचे हरियाणा के 9 उपलब्ध मंत्री पदों पर दावा ठोक दिया। ऐसे में जब नई नवेली सुषमा का नाम ताऊ देवीलाल के सामने आया तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन फिर जेपी की इच्छा और चंद्रशेखर का दबाव, देवीलाल को सुषमा स्वराज को अपनी टीम में शामिल करना पड़ा। 25 साल की लड़की कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रही थी, पोर्टफोलियो श्रम और रोजगार। लेकिन 3 महीनों के अंदर ही देवीलाल ने सुषमा को निकालने की तैयारी कर ली। ये बात जब इस युवा नेता को पता चली तो वो मधुलेमिये के साथ अध्यक्ष जी से मिलने पहुंची, सब बात कही, आखिरी में ये भी जोड़ा कि बर्खास्तगी से तो अच्छा है मैं खुद ही इस्तीफा दे दूं। सब सुनने के बाद चंद्रशेखर ने आश्वस्त किया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पार्टी नेतृत्व से बात किए बिना देवीलाल इतना बड़ा फैसला नहीं लेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्हीं चंद्रशेखर को फैसले की खबर लग गई। समाचार एजेंसियां फ्लैश कर रही थी कि फरीदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल ने कहा कि सुषमा कैबिनेट के लिहाज से अयोग्य हैं, उनका मंत्री पद लिया गया। चंद्रशेखर ने देवीलाल को तलब किया, समझाया कि सुषमा को वापस लो, लेकिन देवीलाल अड़ गए। और अब अड़ने की बारी चंद्रशेखर की थी। उन्होंने कहा, अगर सुषमा मंत्री नहीं तो तुम मुख्यमंत्री नहीं, मैं पार्टी अध्यक्ष होने के नाते तो मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दूंगा। देवीलाल भौचक रह गए और बचाव के लिए भागे अपने राजनीतिक आका के पास, जो उस वक्त देश के गृह मंत्री भी थे, चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह ने चंद्रशेखर से पूरा मामला जाना देवीलाल के जाने के बाद। जब चंद्रशेखर ने बताया कि पार्टी से बात किए बिना इस तरह से बर्खास्तगी का ऐलान किया तो चरण सिंह भड़क गए, चंद्रशेखर पर नहीं देवीलाल पर। और यहीं पर मामला सेटल हो गया। चौधरी देवीलाल को सुषमा स्वराज को कैबिनेट में वापस लेना पड़ा। साथ में लेनी पड़ी एक नसीहत चंद्रशेखर से, आपकी बेटी की उम्र की है, उसी तरह से उसका ख्याल रखिए। पर सियासत क्या सिर्फ ख्यालों से चलती है? देवीलाल की सरकार तो चली गई, भजनलाल आ गए, जो इंदिरा के सत्ता में आने के बाद उनकी भक्ति के भजन गाने लगे और पूरी की पूरी सरकार समेत कांग्रेसी हो गए। और सुषमा, वो 1979 में जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष बनी, फिर विधायकी नहीं लड़ी क्योंकि सांसद बनने की हसरत थी। चुनाव लड़ी 1980 में करनाल से, क्योंकि उनकी अपनी अंबाला सीट तो सुरक्षित थी। लड़ी और कांग्रेस के चिरंजी लाल शर्मा से हारी, 80 हारी, 84 हारी, 89 हारी, लगातार 3 बार चिरंजी लाल शर्मा से, कभी मार्जिन ज्यादा कभी कम। सुषमा दिल्ली नहीं पहुंच पा रही थी,
हालांकि लालबत्ती 1987 में दोबारा विधायक बनने के बाद फिर से मिल गई थी, लेकिन देवीलाल की सरकार में। लेकिन 89 के चुनाव के बाद कांग्रेस का तंबू उखड़ चुका था दिल्ली से, और एक बरस बाद सुषमा की अभिलाषा पूरी हुई और वो दिल्ली आ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दूसरी पांत को मजबूत करना चाहता था। ऐसे में आडवाणी ने सुषमा को चुना, उन्हें राज्यसभा के रास्ते लेकर आए दिल्ली और जिम्मेदारी सौंपी पार्टी का पक्ष रखने की। सुषमा के लिए ये बात भी कही गई कि वो खुद देवीलाल के बाद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे ओम प्रकाश चौटाला, उनकी सरकार में मंत्री नहीं रहना चाहती थी। सुषमा दिल्ली तो आ गई, लेकिन दिल्ली की सियासत, लोकप्रिय सदन की सियासत और दिल्ली शहर से जुड़ाव अभी दूर था। कितना दूर? अगर हम दूरियों को बरसों में मापें तो कुल 6 बरस। हम सुषमा स्वराज लोकसभाया सदस्य निर्वाचित निश्चयन परमेश्वर से नामना शपे यद अहम विधिना स्थातम भारतस्य संविधानम प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धारयिष्येत। ये सुषमा स्वराज की आवाज है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में साउथ दिल्ली की लोकसभा से निर्वाचित। 1996 में हुए इस चुनाव में सुषमा ने कांग्रेस के कैंडिडेट और वकील कपिल सिब्बल को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। सुषमा लंबे समय से लोकसभा में आना चाहती थी, पर पहले प्रयास के 16 बरस बाद सफल रही। चुनाव जीती तो कुछ ही दिनों के अंदर मंत्री पद की शपथ भी ले रही थी, सूचना और प्रसारण मंत्री। ये जो हम और आप लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देखते हैं, ये सुषमा का बतौर मंत्री लिया गया शुरुआती फैसला था, और इस फैसले का असर उनके करियर पर कुछ ही दिनों में नजर आने लगा, क्योंकि अटल की 13 दिन की सरकार गिरने से ठीक पहले लोकसभा में भाजपा की तरफ से कई ऐतिहासिक भाषण हुए। इसमें सुषमा स्वराज भी बोली और जमकर बोली। राम राज्य और स्वराज्य की शायद नियति ही ये है कि वो एक बड़े झटके के बाद मिलता है, और इसीलिए मैं पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ, पूरे विश्वास से कहना चाहती हूँ कि जिस दिन 28 तारीख की दोपहर को मेरे आदरणीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में प्रधानमंत्री पद से अपने त्याग पत्र की घोषणा की थी, हिंदुस्तान में उस दिन राम राज्य की भूमिका तैयार हो गई, हिंदुस्तान में उस दिन स्वराज्य की नींव पड़ गई थी। दूरदर्शन के सामने जीवंत प्रसारण देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके त्याग पत्र की घोषणा के साथ कहां उठा था, ये अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ। और यहीं से चालू शब्दावली में कहें तो वह बीजेपी की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हो गई। तत्सम शब्दावली, धारा प्रवाह शैली, तर्क, हास्य और ये सब जिस महिला के मुख से निकल रहे थे वो भारतीय नारी की छवियों को पुष्ट करती थी। लोग कनेक्ट फील करते थे, करीने से बंधी साड़ी, बिंदी, मांग में सिंदूर। और नतीजा क्या रहा? 47 लोधी स्टेट नई दिल्ली, ये भाजपाइयों के बीच एक लोकप्रिय पता हो गया। 1998 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सुषमा को फिर साउथ दिल्ली से उतारा। इस बार मशक्कत नहीं हुई, उन्होंने अजय माकन को और भी बड़े अंतर से हराया। आ गई बारी अटल बिहारी का नारा भी इस बार मुकम्मल लग रहा था संख्या बल के लिहाज से। अटल के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी, जो इस बार कुछ दिनों की मेहमान नहीं रही, इसके हिस्से 13 महीने आए। वाजपेयी सरकार को 13 महीने मिलने वाले थे, लेकिन उनकी मंत्री सुषमा को नहीं, क्योंकि दिल्ली राज्य के प्रभारी और पार्टी के महासचिव वेंकैया नायडू के 2 फोन कॉल उनके पॉलिटिकल करियर को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। October 10, 1998 देश की राजधानी में उस दिन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के इस्तीफे की खबरें तैर रही थी। सुबह के वक्त पंत मार्ग स्थित दिल्ली बीजेपी दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत कुशाभाऊ ठाकरे लगातार बैठकें ले रहे थे। वो बाहर निकले तो मुख्यमंत्री के समर्थकों को आश्वस्त किया, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की स्थिति लगातार बदल रही थी। 2 महीने के अंदर चुनाव थे, प्याज महंगा था, खुराना गुट का दबाव था।
इन सब के मद्देनजर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर उसी दिन मीटिंग शुरू हुई। इसमें मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को भी तलब किया गया। वो कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष कुशाभाऊ, राष्ट्रीय महासचिव वेंकैया नायडू और अटल जी के सलाहकार प्रमोद महाजन मौजूद थे। 3 घंटे तक चर्चा चली और आखिरी में 2 निष्कर्ष निकले। पहला, साहिब सिंह वर्मा को जाना होगा, अटल उन्हें अपनी कैबिनेट में समायोजित कर लेंगे। दूसरा, शीला दीक्षित का मुकाबला करने के लिए भाजपा अपना सर्वश्रेष्ठ महिला चेहरा सामने रखेगी और सूचना और प्रसारण मंत्री साउथ दिल्ली की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी। इस दूसरे विकल्प के पीछे सियासत का तगड़ा खेल था। साहिब सिंह ने जाते जाते साफ कर दिया था, जाऊंगा पर कुर्सी मदन लाल खुराना के लिए खाली नहीं करूंगा। उनके समर्थक, उनके विधायक लगातार इल्जाम लगाते रहे। उधर सुषमा के नाम की पैरवी किसने की और किस मंशा से की? उन दिनों पार्टी को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि नाम तो मीटिंग में प्रमोद महाजन ने रखा था, लेकिन सुझाव एक वकील और पार्टी प्रवक्ता अरुण जेटली की तरफ से आया था। कई लोगों ने कई मतलब निकाले कि दूसरी पात के दावेदारों ने संभावित चैलेंजर्स को अभी से सियासी रूप से ठिकाने लगाना शुरू कर दिया और दिल्ली की हारी हुई बाजी में सुषमा को झोंक दिया। लेकिन अभी इस हार में कुछ वक्त था। कुछ घंटों के अंतराल में पीएम के घर पर फिर मीटिंग शुरू हुई। इसमें सभी पुराने चेहरे थे सुबह की मीटिंग वाले, 2 नए चेहरे थे, दोनों अटल सरकार के कैबिनेट मंत्री, दोनों दिल्ली के सांसद, सदर से मदन लाल खुराना और साउथ दिल्ली से सुषमा। अटल आडवाणी के जोर देने पर सुषमा इनकार नहीं कर पाई। मीटिंग खत्म हुई तो वेंकैया नायडू ने इंतजार कर रही प्रेस के सामने ऐलान कर दिया, हमने निर्णय लिया है कि हम सुषमा जी के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ेंगे। ये निर्णय सभी की सहमति से लिया गया है, इसमें साहिब सिंह वर्मा भी शामिल हैं। फिर 2 रोज बाद 12 अक्टूबर को एक अपेक्षाकृत सादे समारोह में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विजय कपूर ने सुषमा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। पद संभालने के फौरन बाद सुषमा ने मुख्यमंत्री दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके बगल में बैठे थे साहिब सिंह वर्मा, जो थोड़ी देर पहले ही पूर्व हुए थे। यहां हुए 2 सवाल जवाबों से आपको सुषमा स्वराज की वाकपटुता का अंदाजा लगेगा। पत्रकारों ने सवाल उछाला, वर्मा जी को तो मना लिया, उनके समर्थकों को कैसे मनाएंगे? सुषमा का जवाब आया, समर्थकों को वर्मा जी मनाएंगे। इशारा साफ था, केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर कैबिनेट मंत्री का पद छोड़कर आई हूं, मेरे बाद जिसे दिल्ली पर दावेदारी रखनी हो वो काम करता नजर आए। फिर सवाल पूछा गया कि क्या शीला दीक्षित की काट के तौर पर आपको पेश किया गया? शीला जी ने इल्जाम लगाया है कि, सवाल पूरा नहीं होने दिया सुषमा ने, बीच में ही टोक दिया और कहा, शीला दीक्षित जी का जवाब मांगेराम गर्ग दिया करेंगे। मांगेराम गर्ग उस वक्त दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष थे। बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज के पास समय और रास्ते दोनों कम थे। आचार संहिता लगने में कुछ हफ्ते बाकी थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने प्याज की समस्या को सुलझाने का बीड़ा उठाया, कमेटी बनाई, गोदामों पर छापे मारे और वैन से नियमित सप्लाई शुरू की। फिर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आलोचना झेलती सरकार की छवि सुधारने के लिए छापामार शैली अपनाई। वो रात में निकलती, पुलिस थानों और चौकियों का निरीक्षण करती, मौके पर अधिकारी गायब मिलते तो और भी वरिष्ठ अधिकारियों को झिड़कती। लेकिन इससे ज्यादा मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर आडवाणी को रिपोर्ट करती थी। इन छापेमारियों के दौरान मीडिया भी साथ होती। तब सुषमा का एक बयान खासा मकबूल हुआ था, मैं जाग रही हूं, दिल्ली की जनता को डरने की जरूरत नहीं है, मैं ना सोऊंगी ना किसी पुलिस अधिकारी को सोने दूंगी। लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर मैं रात को जागूंगी ताकि दिल्ली के नागरिक सोएं। वैसे सोने की गुंजाइश थी भी नहीं, चुनाव का ऐलान हो गया, बीजेपी का गुटबाजी के चलते बुरा हाल, पंजाबी वोटर नाराज कि खुराना नहीं आए, जाट वोटर नाराज कि साहिब सिंह चले गए। लेकिन सुषमा जुटी रही, उन्होंने खुद अपनी लोकसभा की हौज खास विधानसभा से पर्चा भरा। शीला ने उनके सामने अपनी दोस्त किरण वालिया को उतारा। मैदान में सुषमा के बोल सुनिए, मुझसे किसी ने पूछा कि कैसा लग रहा है, मैंने कहा कि भैया मुझे तो मैच का आखिरी ओवर खेलने के लिए दिया गया है और हर बॉल पर छक्का मारना है और बल्ला वो चुनाव आयोग ने ले लिया। पर सुषमा लगातार जनता को अपनी छापामार शैली की याद दिलाती रही। वो रैलियों में कहती कि एक राजा था जो रात में भेष बदलकर घूमता ताकि उसे प्रजा की तकलीफों का पता चले।
नियत दिन प्रजा ने फैसला सुना ही दिया। सुषमा अपनी विधानसभा बमुश्किल 2500 वोटों से जीती और सत्तारूढ़ भाजपा वो 49 से घटकर 15 सीटों पर आ गई। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती और सरकार बनाई। अब तक सुषमा ने नेतृत्व का आदेश माना था, अब नेतृत्व को निर्णय सुनाने का वक्त था। उन्होंने हौसखास की सीट से इस्तीफा दे दिया, लोकसभा की कुर्सी बचा कर रखी। उपचुनाव हुए तो वालिया विधायक बन गई। और सुषमा, उनकी कहानी में अभी कई ट्विस्ट आने थे। अटल कैबिनेट का विस्तार करते तो वो सुषमा लौटती, लेकिन उसके पहले ही अप्रैल 1999 में एक वोट से सरकार चली गई। फिर कारगिल का युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद चुनाव हुए। सुषमा ने लोकसभा का चुनाव लड़ने में अनिच्छा जताई थी। कईयों ने कहा दिल्ली में पार्टी की कमजोर हालत है, सुषमा रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन आलाकमान कुछ और सोच रहा था। मैंने आपसे कुछ देर पहले वेंकैया नायडू के दो फोन कॉल्स का जिक्र किया था, अब दूसरी कॉल की बारी है। ये कॉल 17 और 18 अगस्त की दरमियानी रात लगभग 2 बजे आई, वेंकैया के घर से सुषमा के घर। उन्होंने सुषमा को अटल आडवाणी का फैसला सुनाया। साउथ दिल्ली के लिए तो पहले ही मनाही हो चुकी, लेकिन अब आप सामान पैक करिए, आपको सुबह 6:15 बजे की फ्लाइट से बेंगलुरु जाना है और बेल्लारी से सोनिया गांधी के खिलाफ पर्चा भरना है। और इस तरह राज्य की राजनीति के लिहाज से सुषमा स्वराज का दिल्ली से नाता टूटा। वो फिर से लोकसभा आई, लेकिन मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से, वो भी 2 दफा। कई किस्से हैं सुषमा की सियासत के, बेल्लारी का कड़ा मुकाबला, उसके बाद उत्तराखंड से राज्यसभा में आना, फिर अटल कैबिनेट में वापसी, नए नए एम्स का ऐलान, 2004 में सोनिया के प्रधानमंत्री बनने की संभावना पर सर मुड़वाने की धमकी, फिर विदिशा से सांसद बनना, नेता प्रतिपक्ष बनना, स्वास्थ्य और संघ से अपेक्षाकृत कमजोर संबंधों के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष की दावेदारी में पिछड़ना, 2013 में सबसे इतर मोदी के बजाय आडवाणी के साथ खड़े रहना, फिर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनना और स्वास्थ्य के चलते ही 2019 का चुनाव न लड़ना। 2014 से 19 के बीच सुषमा विदेश मंत्री थी। कई लोग उन्हें ट्विटर मिनिस्टर भी कहते थे, क्योंकि वो सहायता की अपीलों का ट्विटर पर फौरी जवाब देती थी। सुषमा का आखिरी ट्वीट 370 आर्टिकल हटने पर आया और आखिरी सुर्खी 6 अगस्त 2019 को, जब सबने छापा, सबने कहा राजनीति की सुषमा नहीं रही। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री, लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की ये खास सीरीज। अगले एपिसोड में बात करेंगे उस लड़की की जो मिरांडा में पढ़ती थी तो जीवन साथी से मिली, जीवन में दाखिल हुई तो अपने पॉलिटिकल मेंटर से मिली, जो इंदिरा के भी मेंटर थे, जिसके पास आई कई फोन कॉल्स ने उसका जीवन लगातार बदला। कभी इंदिरा की कॉल, कभी इंदिरा के बारे में कॉल, कभी राजीव की कॉल और कभी सोनिया की। अगले एपिसोड में बात करेंगे शीला दीक्षित की।